नीट 2024 का सिलेबस रिड्यूस हो गया, ये आप सभी जानते हैं और सिलेबस एनएमसी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। सो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ, ये तो ऑलरेडी सभी लोगों को पता है, लेकिन उससे बड़ी न्यूज जो चीजें पिछले दो दिन में सामने आई, आई एम गोइंग टू शेयर विद ऑल ऑफ यू कि पैटर्न के अंदर किस तरह के चेंजेस होने वाले हैं और पैटर्न से ही बात करूं तो किस तरह के क्वेश्चन से ये पेपर डिजाइन होने वाला है। सो वो स्टूडेंट जो ये सोच रहे हैं सिलेबस रिड्यूस हो गया है, खुश हो रहे हैं कि बहुत जल्दी चीजें पिकअप हो जाएंगी, वो इस बात को समझ लें कि ये वीडियो आपकी नीट की प्रिपरेशन के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होने वाला है। और सबसे बड़ी चीज मैं कहूं, नीट की ब्लॉक स्ट्रेटजी 2024 ऑलरेडी रिलीज है, उसमें डिलीटेड सिलेबस हटा के एज इट इज आपको फॉलो करनी है। लाखों स्टूडेंट्स ऑलरेडी फॉलो करना शुरू कर चुके हैं, अगर आपने नहीं किया है तो नीट ब्लॉक स्ट्रेटजी 2024 सर्च करके पीजी की तीनों सब्जेक्ट के ऊपर अलाइन कर लीजिए और इस वीडियो को समझने के बाद, पूरा आखिर तक देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि वो कितना ज्यादा जरूरी है कि अब आपको सीरियस होना है। इट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ हैप्पीनेस कि सिलेबस कम हो गया है। आगे बढ़ने से पहले एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं, जिस तरह के पैटर्न में चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए हम आपके लिए बहुत बड़े माइलस्टोन रिसोर्सेज लेके आने वाले हैं। एक ऑलरेडी मैं अनाउंस कर चुका हूं, माइंड ट्रिगर्स ऑन अवर टेलीग्राम चैनल। अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो इमीडिएटली ज्वाइन एट t.me/galaxyworld। विद इन अ डे और टू माइंड ट्रिगर्स आर गोइंग टू बी अनाउंस्ड ऑन दिस चैनल, ज्वाइन करें। स्टार्टिंग में थोड़े से फ्लक्चुएशंस हैं लेकिन ये ऐसे माइंड ट्रिगर्स हैं जो आपको पैटर्न प्रूफ बनाएंगे। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि नीट 2024 के पैटर्न में क्या चेंजेस होने वाले हैं। ये चेंजेस पिछले दो सालों से शुरू हो चुके हैं होना और लास्ट ईयर के बायो के पेपर में आप सभी जानते हैं कैसे चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए थे इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एंड असर्जन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, जिस वजह से स्टूडेंट्स को एक एक क्वेश्चन में तीन तीन चार चार सिचुएशन को समझना पड़ा था और केमिस्ट्री में बहुत कम थी चीजें, फिजिक्स में ना के बराबर थी। अब इंटरनल में अपनी रिसर्च को शेयर नहीं कर रहा हूं लेकिन ये वैलिडेटेड प्रूफ है कि पिछले चार सालों में जितनी भी रिसर्च जेई और नीट को लेकर हमने हमारे चैनल पर रिलीज करी है, सारी की सारी चीजें एग्जाम होने के बाद वैलिडेटेड प्रूवन पाई गए हैं। तो आप अगर वो ट्रस्ट कर सकते हैं पिछले कई सालों का फिजिक्स गैलेक्सी के ऊपर जो स्टूडेंट्स का ट्रस्ट है, इस साल नीट 2024 के पेपर में 60% के आसपास क्वेश्चन इस तरह के होने वाले हैं जहां पे एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट होंगे, लेकिन फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी असर्जन रीजन बेस्ड और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपको दिमाग चर्न करना होगा। फिजिक्स में जो स्टूडेंट सिर्फ न्यूमेरिकल फॉर्मुलों के बेस पे फुल ऑन फुल तक स्कोर करते थे, तो टॉप रैंकर्स के लिए भी इस बार चैलेंज होने वाला है। इतना ईजिली जो स्टूडेंट फिजिक्स में फुल स्कोर कर लेते थे, जिनकी फिजिक्स बहुत अच्छी हुआ करती थी, उनको भी दिमाग लगाना पड़ेगा। सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट हमारे कम्युनिटी सेक्शन को, इसी चैनल को सब्सक्राइब करके कम्युनिटी सेक्शन को एक्सेस करें। जो थ्योरी ब्रेन टीजर्स हैं पिछले कुछ दिनों से मैंने रोके थे और उस थ्योरी ब्रेन टीजर का एक एग्जांपल सबके सामने लगा रखा था कि 96% स्टूडेंट फिजिक्स के अंदर कहीं ना कहीं गलत थिंकिंग रखते हैं और अपनी 10th की मेथडोलॉजी से ओवर कॉन्फिडेंटली फॉर्मूला बेस्ड फिजिक्स के ऊपर फोकस करते हैं। डू नॉट मिस इट आउट, स्टे ट्यून्ड विद आवर इकोसिस्टम। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में ऑलरेडी हो चुका है, द पैटर्न चेंजेस आर फोकस्ड ऑन असर्जन रीजन एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे एनसीईआरटी की डीप रूटेड प्रिपरेशन की जरूरत है, जो हम आपको आने वाले वीडियोस में बताते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस, डू नॉट जस्ट गेट ओवर कॉन्फिडेंस बाय द रिडक्शन ऑफ सिलेबस, यू हैव टू बी मोर प्रोमिनेंट ऑन इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन लेवल कई गुना बढ़ने वाला है। साथ ही जो स्टूडेंट एनसीईआरटी पे एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेंगे और फिजिक्स गैलेक्सी कई चीजें सारे सब्जेक्ट में आपके सामने लाने वाला है। डू नॉट मिस आउट एनी वीडियो फर्दर कमिंग ऑन फिजिक्स गैलेक्सी चैनल। स्टे ट्यून्ड, विश ऑल द बेस्ट।